बच्चे क्यों रोते हैं, उनको कैसे चुप कराएं। पिछले 25 साल में मैंने लगभग 7-8 लाख बच्चे देखे हैं। जब भी बच्चे घर पर रोते हैं तो कई बार मेरे पास लेके आते हैं तो ऑफिस में ओपीडी में आके ही बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं। तो उसे क्या कारण होते हैं, मैं आपको आज रोने के, बच्चों के रोने के सारे कारण बताऊंगा और उनका घर में कैसे समाधान कर सकते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा, जिससे कि आपकी बड़ी सारी डॉक्टर्स विजिट बढ़ सकती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बच्चे का भी जो मैं कारण बता रहा हूँ यही कारण हो सकता है, इनमें से कोई एक कारण हो सकता है। कई बार माँ को गलतफहमी होती है कि बच्चा इसी वजह से रो रहा है, माँ दूसरी बातों के बारे में सोच नहीं पाती। अगर मैं जो कारण बताता हूँ फिर आप सारी चीज़ें सोच लेंगे, सारे बारे में ध्यान करेंगे, जिससे कि आपको अपने बच्चे के रोने का कारण मिल जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा कारण है बच्चे के रोने का पेट में गैस। अगर बच्चे के पेट में गैस होती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, परेशान होता है, वो बच्चा पेट अंगड़ाइयाँ लेता है जोर जोर से, पेट को के पास पैर लेके जाता है और इस तरह से बच्चा रोता है, बड़ा वो हाथ पैर भी हिलाता रहता है बच्चा तब, और पेट का आर्च बना लेता है, इस तरह से बच्चा रोता है पेट में गैस की वजह से। और इसी का अगर बड़ा रूप होता है तो उसे कोली कहते हैं, उसमें फिर बच्चा दिन में 3-3 घंटे रोता है लगातार, हफ्ते में लगभग कम से कम 3 दिन जरूर होता है ऐसे, इसे कोली कहते हैं। तो पेट में गैस क्यों बनती है बच्चे के, क्या इसका पेट के गैस का कारण है, इसमें से एक तो सबसे बड़ा कारण है, अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ, अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो माँ अगर चाय लेती है, परांठा, अचार या तली हुई लेती है, उसे भी पेट में गैस बन सकती है। या फिर अगर माँ की फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है और माँ उड़द, राजमा, छोले, पनीर, मटर अगर ऐसी चीज़ लेंगी उसे गैस बन सकती है, उससे बच्चा रो सकता है। अगर माँ ठंडी तासीर की चीज़ ज़्यादा लेगी जैसे चावल, केला, दही, जूस वगैरह, इनसे भी बच्चे के पेट में गैस बन सकती है। फिर बाज़ार की कोई भी चीज़ जैसे ब्रेड, बिस्कुट, रस वगैरह, डेड फूड जो होता है वैसा लेगी माँ, उससे भी नुकसान हो सकता है बच्चे के पेट में गैस बनता है। बाज़ार की मिठाई, बासी खाना, ऐसा खाना ना खा के माँ हरी सब्जियाँ, दूध दलिया, खिचड़ी, दाल रोटी खाए, सांदा पंजीरी खा ले, इससे बच्चे को गैस नहीं बनेगी। बाकी बच्चे के पेट में गैस ना बने, एक तो बच्चे की डेली मालिश करें, पूरी बॉडी की अच्छी तरह से मालिश करें बच्चे की, फिर नहलाएं, उसके बाद ये दोनों काम सुबह सूरज निकलने से पहले करें, फिर बच्चे को डकार दिलाएं। मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ, बच्चे को डकार दिलाने के 3 तरीके बताता हूँ जिससे कि पेट में गैस नहीं रहेगी। पहली बार हम कंधे पे लगा के ऐसे डकार दिलाएंगे, ऐसे करके, ये पहला तरीका है। देखिए उसकी जो सुंडी है बच्चे की, ये हमारे कंधे के लगनी चाहिए, अगर हम ऐसे डकार दिलाएंगे ऐसे डकार नहीं आएगी, बच्चे को थोड़ा सा यू शेप में लेना पड़ेगा ऐसे करके, इसी सुंडी को सपोर्ट मिलना चाहिए, इससे बच्चे को डकार अच्छी से आ जाएगी, बड़ी सी डकार आती है बच्चे को। दूसरा है कि हम ऐसे गोटे पे मुंदा लिटा के बच्चे को सुंडी को सपोर्ट दे के ऐसे सपोर्ट दे दें, ऐसे डकार दिला सकते हैं, ये दूसरा तरीका है, इससे भी बच्चे को बड़ी अच्छी डकार आती है। बेसिक रीज़न है कि बच्चे को पेट को सपोर्ट मिलना चाहिए, खाली छाती में से गैस नहीं निकलेगी, पेट में से निकलेगी, पेट को सपोर्ट दे के। फिर तीसरा तरीका है कि कोई भी तकिया रखे, जैसे हमने तकिया रख दिया बेड पे और फिर उस पर मेंढक बना के बच्चे को मेंढक की तरह से फ्रॉग जैसी पोस्चर में करके ऐसे हम लिटा सकते हैं, ऐसे करके आराम से, इस तरह से बच्चा हिलता डुलता रहेगा, अंगड़ाई लेगा, जोर लगाएगा ऐसे करके, तो उसमें फिर उसको गैस में रिलीफ मिलेगा और ये भी एक अच्छा तरीका है। ये तीनों तरीके से अगर गैस पास होगी तो बच्चों को आराम मिलेगा। बाकी कोली के लिए अगर है तो फिर डॉक्टर से सलाह लेके पेट गैस की दवाई भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम उसका कारण ठीक करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। बच्चे को जैसे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में फिर बहुत ज़्यादा पैक ना करें, जितना थोड़ा सा क्रॉस वेंटिलेशन में रखेंगे बच्चे को तो उससे भी बच्चा कंफर्टेबल रहेगा, उसे फ़ायदा मिलेगा। दूसरा बच्चे के रोने का सबसे बड़ा कारण है, दूसरा बड़ा कारण है डायपर रैश। डायपर रैश अगर बच्चों को ज़्यादा पैक करके रखते हैं और ये सिंथेटिक डायपर पहनाते हैं तो इनसे रैशेज हो सकते हैं, इनसे पोटी वाली जगह लाल हो सकती है बच्चे की, उससे भी बच्चों को बड़ी जलन होती है। लोग कहते हैं चुन्ने काट रहे हैं, उसमें फंगस भी कई बार लग जाते हैं, मिक्स इन्फेक्शन हो जाता है, उससे भी बच्चे रोते हैं। तो उसके लिए दुनिया के सबसे अच्छे डायपर ये डायपर हैं, जो ट्रिपल फोल्ड नैपकिन कहते हैं इनको, ये दुनिया के सबसे अच्छे डायपर हैं। ऐसे ऐसे डायपर अगर यूज़ करेंगे तो इनसे नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे डायपर यूज़ करें, इस तरह से, ऐसे ऐसे डबल फोल्ड, अब ट्रिपल फोल्ड, ये देखिए ऐसे करके, ऐसे कर लिया हमने, फिर ऐसे ऐसे, फिर इस तरह से। ये जो डायपर है कॉटन के डायपर, ये कई कंपनीज के आते हैं, जैसे टिनी के रहे, ऐसे कई कंपनी के आते हैं, ये इस डायपर में क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा, बच्चे की जांघों में, उसके जनेटस में, प्राइवेट पार्ट्स में, सब जगह सांस मिलती रहेगी, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, जिससे कि रैश नहीं होते। अगर सिंथेटिक डायपर बनाते हैं तो बच्चे के रैश के बड़े चांस होते हैं। इसी तरह से कपड़े भी ज़्यादा सिंथेटिक ना अपनाएं, ऐसे ऐसे कॉटन के कपड़े बनाएं, इस तरह कॉटन के कपड़े होंगे तो बहुत कम चांस रहेंगे डायपर रैश होने के। अगर डायपर रैश होते हैं बच्चे के तब भी बच्चा बड़ा ज़ोर ज़ोर से रोता भी है और अपने कूलों को पीछे की तरफ हिलाता है, आर्च बना लेता है, कमर को ऐसे मरोड़ मरोड़ कर रोता है ऐसे, तो इसलिए बच्चों को
डायपर ऐसे बचाने के लिए उनका क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा रखें, और ओढ़ने में भी हो सके तो सिंथेटिक कंबल ना उड़ाएं, सूती जो वो होते हैं खेस होते हैं वो उड़ाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे आप पानीपत में मिलते हैं करनाल के पास, पानीपत में सूती खेस मिलते हैं, या सूती शाड़ वाली रजाई हो या सूती चादर हो, सिंथेटिक कंबल ना उड़ाएं। सिंथेटिक कंबल में बच्चे के को डायपर रैश होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, ह्यूमिडिटी हो जाती है, उसे डैम्पनेस हो जाती है। फिर अगर बच्चा, तीसरा कारण है बच्चे को रोने का, हंगर क्राई। अगर बच्चा भूखा रो रहा है तब भी बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है, उसे भूख लगी है, कई बार माँ समझ नहीं पाती या माँ को टाइम नहीं मिल पाता, तब बच्चा ऐसे लिप स्मैकिंग करता है, होठों को चाटता है, या कई बार अपनी उंगलियों को चाटता है, पैरों की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को चाटता है, गर्दन को इधर उधर हिलाता है कि भाई मुझे कहीं दूध मिल जाए, माँ मेरे आसपास कहीं है क्या, ऐसे करके बच्चा, छोटा बच्चा बता भी नहीं सकता, ये हंगर क्राई होती है। इसमें अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा शांत हो जाता है, उसे हेल्प मिल जाती है। तो हंगर क्राई को भी माँ धीरे धीरे करके पहचान सकती है, नहीं तो कई बार हंगर क्राई के लिए ही बच्चा भूखा रो रहा है और एकदम डॉक्टर के पास लेके भागते हैं, तो हम उससे ही बच सकते हैं। फिर है कि अगर बच्चा में बड़ा थकान है, ये चौथा सबसे बड़ा कारण है कि बच्चा को बड़ी थकान महसूस हो रही है, बड़ा शोर हो रहा है चारों तरफ, और शोर में बच्चा प्रॉपरली नींद नहीं आ पा रही, उसे सो नहीं पा रहा, या कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसमें बच्चा परेशान सा हो गया है, तो थकान में भी हम बच्चे को थोड़ा सा अच्छी तरह से उसको रैप करके भी सुला सकते हैं, और बच्चे को थोड़ा सा काम जगह पर लेके जा सकते हैं। बच्चे को कैसे रैप करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ऐसे रैप कर देंगे, देखिए ऐसे कर दिया हमने बच्चे को, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, ऐसे करके हम गोद में ले सकते हैं, तो इसको वार्मथ मिलेगी बच्चे को, इससे जो गर्माहट मिलेगी इससे भी बच्चे को बड़ी अच्छी नींद आ सकती है और बच्चा शांत हो सकता है इस तरह से करके। ये भी एक तरीका है, और ख़ासकर सर्दियों में हमें ऐसा करना पड़ता है तो जिससे कि बच्चे को आराम से नींद आ जाए, ये इसका थकान से बचने का तरीका है। उसके अलावा अगर बच्चे के दांत आते हैं, टीदिंग के टाइम में भी बच्चा रोता है, तो इसे कहते हैं टीदिंग क्राई। टीदिंग के क्राई के समय में बच्चे का ये पहचान है कि उसके मुँह से लार ज़्यादा आएगी, थोड़ी सी सलाइवा ज़्यादा होगी, तो उसमें बच्चे को थोड़ा सा, हम चाहे तो थोड़ा सा शहद ले लें थोड़ा सा, और बादाम को घिस लें, बादाम घिस के शहद उसमें मिला के उसी मसूड़ों पर मालिश भी कर सकते हैं, बच्चे को चटा भी सकते हैं, बाकी ग्राई वाटर भी दे सकते हैं या जन्म घुट्टी भी दे सकते हैं जिससे कि उसे हेल्प मिल जाए। उसके अलावा अगर बच्चे को डायपर रैश हो तो डायपर रैश के लिए डॉक्टर से पूछ के ऑइंटमेंट लगा सकते हैं जिससे कि उसे हेल्प मिल जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बीमारियाँ भी होती हैं जिनकी वजह से बच्चे रोते हैं। जैसे एक तो कई बार बच्चे की शूशू वाली जगह लाल हो जाए या शूशू वाली जगह में इन्फेक्शन हो जाए, यूटीआई हो जाए, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें बच्चे रोते हैं, तब बच्चे पैरों को आपस में मारते हैं, पैरों को आपस में रगड़ते हैं, उसे बच्चे परेशान होते हैं, तो उसके लिए वो करना है, उसके लिए डॉक्टर को दिखा के फिर ट्रीटमेंट कर लें। फिर बच्चे के कई बार कान में दर्द होता है, कान बहरा होता है, कान में दर्द होता है, या फिर कान में पस बन जाती है, तब भी बच्चे रोते हैं, या कान में सूजन हो जाती है, जैसे बच्चे को जुकाम हो गया, नाक बंद हो गई, तब बच्चा रो सकता है। जब जैसे नाक बंद होती है फिर कान में भी, कान के पर्दे पे भी खिंचाव होता है, उसके लिए माँ बच्चे को लेट के दूध ना पिलाए, और दूध पिला के फिर एकदम लिटाए ना, दूध पिला के डकार दिलाए जिससे कि बच्चे का कान में दूध ना जाए, नहीं तो यूस्टेकियन ट्यूब की ब्लॉकेज हो जाती है। यूस्टेकियन ट्यूब की ब्लॉकेज से बच्चे को बड़ा कान में दर्द होता है, उसमें खिंचाव से महसूस होता है, तो इसलिए उससे हम बच सकते हैं। बाकी डॉक्टर को दिखा के दवाई भी घसते हैं। कभी कभी बच्चे को बुखार होता है, अंदर ही बुखार होता है, उसमें भी बच्चा रोता है, उसके लिए भी आप टेम्परेचर चेक करके देख सकते हैं, ये भी एक रूल आउट कर सकते हैं। अगर बुखार है तो डॉक्टर को दिखाएं, कपड़े थोड़े से लूज़ कर दें, कॉटन के कपड़े कर दें, क्रॉस वेंटिलेशन कर दें जिससे कि बुखार डाउन हो जाए। अगर अदरवाइज फिर भी है बुखार तो थोड़ी स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, बच्चे की कपड़ा गिला करके पट्टी कर सकते हैं। फिर कई बार बच्चे को वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, पेट में गैस ही भरी होती है, वॉमिटिंग कर भी देता है या वॉमिटिंग करने वाला होता है, तब भी बच्चा रोता है, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखें। उसके अलावा कई बार बच्चों का सिर पक जाता है, जैसे सिर में ये क्रेडल कैप बन जाती है, तो इसमें बच्चे को इचिंग होती है कानों में, आँखों में बच्चा खुजली करता है, कानों में खुजली करता है, उसमें जलन सी महसूस होती है, अगर सिर पे पपड़ी सी बन जाए उससे भी कई बार बच्चे रोते हैं, तो उसके लिए फिर ऐसे डॉक्टर से सलाह लेके शैम्पू से सिर धो सकते हैं जिससे कि उसका सिर बड़ा हल्का सा उसे महसूस हो, खुजली ना हो, जलन सी ना हो सिर में, उसे भी बच्चे को आराम मिलता है। अगर ऐसे ऐसे समाधान हम घर पर करेंगे तो बच्चे बड़ी जल्दी चुप हो जाते हैं, रोते नहीं तो कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर की विजिट करनी पड़ती है। इसलिए बच्चों की देख रेख में पूरा ध्यान लगाएं, उनकी भाषा को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे बोल के नहीं बता सकते, समय के साथ साथ माँ को कई बार नॉलेज हो जाती है, और अदरवाइज ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन जब आप लोग देखेंगे तो उससे आप लोग पूरे लगभग 99% ऑफ द टाइम आपको बच्चे के रोने का कारण समझ में आ जाएगा, और बच्चे को घर पे ही आप ठीक कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे से वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे हेलो का मैसेज करेंगे तो मेरे से कंसल्टेशन का लिंक मिल जाएगा आपको, लाइब्रेट का लिंक, तो उससे आप मेरे से वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं।
वैसे तो मैं अपने चैनल पे ऐसे ऐसे लाइव सेशन करते रहता हूँ जिसमें कि हम घर में क्या कर सकते हैं वो चीज़ आप आराम से फॉलो कर सकते हो। ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन सब लोगों को बुलाएं। फिर भी अगर कभी किसी बच्चे को एडमिशन की जरूरत पड़े तो हमारा हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है, इतनी सारी कंपनीज के साथ टाइप है, तो इसमें एम्पैनलमेंट का फ़ायदा भी उठा सकते हैं आप। स्टार हेल्थ, आयुष्मान भारत, आदित्य बिरला, ICICI, SBI, FHPL, एरिक्सन, मैक्स, बुपा, बजाज, तो इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।